तो हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू रूपाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, थोड़े थोड़े बाकी थोड़े थोड़े हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी दिन का हो रहा है, कितना टाइम हो गया, अभी 10 बज रहा है, धूप भी निकल रही है और काफ़ी थोड़ा बहुत पानी भी गिर रहा है। देख सकते हैं आप लोग बाहर का माहौल भी इस टाइप से हो रहा है, बाहर का माहौल पानी जैसा माहौल हो रहा है पूरा, थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा है। तो आज रूपाली कमाने आज आलू के पराठे बनाने का, तो अभी आलू के पराठे बना रही है और रूपाली आज इंडियन स्टाइल में। तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि रूपाली इंडियन स्टाइल में रूपाली आलू के पराठे कैसे बनाती है। अभी रूपाली ने अभी आलू रख दिए पीछे, वो कुकर में उबलने के लिए रख दिए हैं आलू पीछे। मुझे बहुत मन कर रहा था गाइस आलू के पराठे खाने का, पानी भी गिर रहा है गरम गरम, मतलब भजिया खाएंगे तो पेट गड़बड़ हो जाता है, इनका भी बेसन सूट नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं और पेट भी भर जाएगा, सॉस भी रखा हुआ है बढ़िया। तो अभी जैसा कि आपको बताया रूपाली ने कि बेसन से तो थोड़ा सा दिक्कत ही है, बहुत कम ही खाते हैं, ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। तो अभी बाकी देख सकते हैं आप लोग, रूपाली अभी आटा उसन रही है, फिर आटा उसनने के बाद फिर देखते हैं रूपाली अब कैसे बनाती है। आप लोगों को हम पूरी रेसिपी दिखाएंगे गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहे बाकी। अभी गाइस देख सकते हैं कुकर से इतना तेज चला रहा, क्या कर दूँ वो, क्या है गाइस उसकी सीटी ख़राब हो गई है ना, तो अभी बस कुकर भी हम लोगों को चेंज करना है, तो कुकर चेंज करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा क्या हमारे पास पैसे नहीं है, अभी थोड़े बहुत पैसे आएंगे, अभी सैलरी भी नहीं मिली है, तो सैलरी होगी तो फिर देखते हैं। अरे वो कुकर में ये खराबी है कि वो बार बार सीटी आती है अपने आप ही, मतलब रुक रुक के सीटी आती थी ना पहले, वो बार बार आने लगी है सीटी, तो वो खराब हो गई है सीटी, उसकी सीटी चेंज करवानी है। तो अभी तो चला रहे हैं जैसे तैसे करके, बाकी पैसे आने तो फिर उड़ाएंगे। हाँ बाकी सैलरी आएगी उसके बाद उसको चेंज करवाएंगे, क्योंकि उसमें रिस्क भी बहुत है, बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, अगर कभी सीटी निकल के भग जाती है, चक्के बहुत परेशान होना पड़ता है मुझे। हाँ कभी कभी मैं आता हूँ तो घर पे देखता हूँ, भाई बताती है मुझे कि सीटी इधर चली आती है उधर चली आती है, पूरी किचन में घूमती रहती है, सीटी को लगाओ वापस फिर से उड़ जाती है, क्योंकि कुकर के अंदर वैसे ही डायरेक्ट निकलती भगती एकदम, क्योंकि गैस कुकर में वैसे प्रेशर बहुत रहता है, एयर बनती है उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है। और बाकी करवाना है चेंज, नहीं तो बहुत दिक्कत वाला मामला है ये, कभी वैसे ही रूपाली घर पे अकेली रहती है। अजवाइन का ऐसा खोलने वाला, अजवाइन ला कर दे दूँ, अजवाइन का डब्बा है, ये लो डाल लो डाल लो ऊपर। अरे थोड़ी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, तो अभी गाइस अजवाइन डाल रही है, मैंने पहले आटा मारने से पहले डालना था, ठीक है हाँ आटा उसनने से पहले डालना था, पर अब वो ऊपर से डाल रही है, ठीक है डाल लो फिर भी हो जाएगा वैसे तो। हाँ ठीक है, वो तो पराठे बनाने ज्यादा अजवाइन नहीं चाहिए। तो अभी आप लोगों को बाहर का भी दिखा देता हूँ मैं एक बार, देख सकते हैं रोडों पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, देखिए गाइस रोडों पे बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत पानी गिरता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा कुकर कैसा बोलता है, हमारा कुकर देखिए धीरे 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 अभी ढोस हो गया एकदम, बिल्कुल हवा निकल गई उसकी पूरी। हाँ बोलो क्या हुआ, ये तो ऐसी पागल है, कुछ ही कुछ ही बोलते रहते हैं। तो और क्या, सही तो हवा निकल गई उसकी पूरी और क्या। अब उसमें यार बनेगी गाइस, अभी धीरे 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 कर रही है और क्या। तो गाइस मेरा आटा मटके रेडी हो चुका है, तो अभी आटा भी उसन के रेडी हो चुका है गाइस, अब मैं इसे रख दूंगी थोड़ी देर करके। अब उसको वो थोड़ी देर रखेगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता आटा, देखा होगा आप लोगों ने कि हर जगह पर थोड़ी देर के लिए आटा उसनने के बाद थोड़ा सा रख देना चाहिए, तो उससे क्या होता है थोड़ी देर रखे रहने के बाद आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने, मैंने तो किया नहीं, बाकी इन लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं तो बहुत कम बहुत रेयर कंडीशन में मैं खाना बनाता हूँ, नहीं तो वैसे बनाता नहीं हूँ, कभी जैसे रूपाली की तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं बनाता हूँ, नहीं तो मेरी बेबी की तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि देखते हैं भगवान के भाई दो जने रहने वाले एक काम करने वाला है, तो भाई इसको अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, अगर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो थोड़ा सा क्या है शेड्यूल बिगड़ जाता है, हमारा रूटीन जो रहता है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, कभी कभी फिर मैं काम करने में लेट हो जाता हूँ, कभी कभी काम पर जाने में लेट हो जाता हूँ, इसलिए तो भगवान की कृपा से अभी बहुत सब कुछ सही चल रहा है, अभी रूपाली की तबीयत ठीक ख़राब नहीं होती है, बहुत कम रेयर कंडीशन में ख़राब होती है, नहीं तो होती नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी भी हो जाती है कभी कभी ख़राब, तो मेरा तो ठीक है चल जाता है, मेरी हो जाती तबीयत ख़राब तो, बाकी रूपाली की नहीं होती।
तो अभी सब कुछ हो गया है रेडी, सब कुछ रेडी हो गया है। तो अभी ये किचन है पीछे हमारे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए किचन में पूरा सामान वगैरह सब रखा हुआ है। तो अभी अब रूपाली ने देखिए उसको ढक दिया है, रूपाली ने उसको ढक के रख दिया है और ये अभी भी फुस 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 कर ही दिया है ये तो अभी तक। तो अब रूपाली अब आलू के पराठे बनाने के लिए जो जो उसमें लगते हैं वो सब डालेगी, सब कुछ क्या क्या जो भी लगता है उसमें। क्या क्या डालोगी वैसे उसमें? हरी मिर्ची, प्याज, सो गाइस ये बोल रहे थे कि नीचे गैस रख दो, तो मैंने बोला रख दो नीचे गैस, नीचे बैठ के अच्छे से बनाएंगे, बढ़िया गरम गरम खाते भी जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। तो क्या वो थोड़ी सी किचन क्या छोटी है ना, तो फिर वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए अब ये कह रहे हैं नीचे रख दो, नीचे बैठ के बढ़िया बनाएंगे। तो ये सामान रख रहे हैं देखिए, अब ये गैस को नीचे रखेंगे यहाँ पर स्टोव को, संभाल के करना थोड़ा है ना, उठा के रखना थोड़ा, बहुत क्या बहुत डर रहता है, मुझे तो बहुत ही डर लगता है, रिस्की रहता है भैया। अभी गाइस जैसा कि देख सकते हैं आलू उबल चुके हैं, तो अब आलूओं को छीलना भी है, तो अब छील लेते हैं आलूओं को निकाल कर। जब तक रूपाली इंग्रेडिएंट्स काट रही है, ये देख सकते हैं जब तक रूपाली इंग्रेडिएंट्स काटती जब तक गाइस मैं आलू छील लेता हूँ। रूपाली अपना काम कर रही है, मैं अपने लिए अपने आलू छील लेता हूँ, मेरे को अभी काम मिल गया है। इसमें पानी डाला था? हाँ पानी डाला है ना, तो ये गर्म है अभी तक? अभी फाइनली आप लोग देख सकते हैं मसाला तैयार हो रहा है। अभी इसमें जो भी डालता है सामान वो रूपाली ने डाल दिया है, प्याज मिर्ची, फिर उसके बाद उसमें डालेगी सब 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 मसाले वगैरह सब डालेगी रूपाली, फिर पराठे बनेंगे, पराठे फिर खाएंगे, पराठे, भूख लग रही है ना? हाँ गाइस थोड़ी थोड़ी भूख तो लगने लगी है क्योंकि 10 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं, तो इतने टाइम तो भूख सबको ही लगने लगती है। वैसे तो मुझे भी आज लगने लगी अल्ली, वैसे मुझे लगती नहीं है क्योंकि मैं तो सोकर ही उठता हूँ 11 बजे, सोकर ही मैं 11 बजे उठता हूँ, तो भूख तो मुझे वैसे लगती नहीं क्योंकि 11 बजे सोकर उठता हूँ। फिर उसके बाद वो जब तक लंच वंच सब कुछ रेडी कर देती है, फिर 11 बजे उठ के हाथ मुँह धोता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, बारीक बारीक करके लहसुन भी डाल रही है रूपाली वाली, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखते हैं अभी खा के हम आपको बताएंगे। अभी मैं जज हूँ, ये कुक है, ये बनाएगी, फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगा, फिर मैं इनका ऑडिशन जो है वो फाइनल करके बताऊंगा कि आपने कैसा बनाया है। ऑडिशन फेल हो गया, खाना तो पड़ेगा, तो घर का ही ऑडिशन चल रहा है, बाहर की बात तो अलग होती, पेटूंगी तो नहीं है। हाँ गाइस बाकी ये भी सही है, ऑडिशन अगर फेल भी हुआ तो उसको राइट टिक देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो सभी लोग जानते हैं कि भाई वो मेरी बीबी है, मैं उसका पति हूँ, मुझे राइट टिक तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 3-4 कलियां डाल दी है, तो अभी उसमें 3-4 जो भी है डाल दिया उसने, फिर उसके बाद अब उसमें नींबू भी डाल रही है, नींबू भी निचोड़ेगी रूपाली, देख सकते हैं गाइस थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ, मस्त लगता है खट्टा खट्टा। तो अभी दोस्तों फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है, मसाला भी रेडी हो चुका है, आटा भी रेडी हो चुका है, पलेठन वो तवा भी चढ़ चुका है। तवा कितना काला हो रहा है यार, ये तो कभी गोरा हुआ करता था गाइस, ये तवा कभी गोरा हुआ करता था पूरा, ये धूप में बहुत ज्यादा काला हो गया। हटो ना थोड़ा सा, धोना थोड़ा ये। गाइस पराठे बनने की प्रोसेस तैयार हो चुकी है, ये आटा उस मतलब क्या बोलते हैं, ये पेस्ट नहीं आलू का मसाला। अरे आलू का मसाला नहीं, क्या कर रही है तू लोई? हाँ अब वो बना रही है रोटी, फिर रोटी को बना के बोल रही है वो दे दो मुझे कपड़ा नीचे रखने के लिए, पटला खलास खासा रूपाली को एक कपड़ा दे दू नीचे रखने के लिए। ये लो पंचू, लो पंचू कपड़ा ले लो। तो अभी देख सकते हैं गाइस जैसा कि बनाने लगी है रूपाली, लोई बनाने लगी, फिर उसमें मसाला भरूंगी, ये जो मैंने मसाला बनाया था कितना प्यारा मसाला, देखिए
कुछ कुछ लोग, बहुत लोग है ना, तल के बनाते हैं मसाला फ्राई करके आलू का, पर मैंने ऐसे ही बना लिया। मैं हर में भी हर तरीके का बना लेती हूँ, पर मैंने ऐसे ही बना लिया ऐसा। ये ऐसे ऐसे ये ऐसे फोल्ड किया मैंने, मोमोज बनता है ना जैसे, ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करते हैं। अब देखते हैं गाइस घी फटे ना बस, ये थोड़ा बहुत ये फटना स्टार्ट हो चुका है इसलिए पले से लगा रहे हैं ज्यादा। अरे तुम ना ज्यादा वो मत निकालो, ठीक है ना? नजर नहीं लगा रहा हूँ मैं कोई, देख सकते हैं गाइस मुंह फाटने लगा है रूपाली का पराठा रूपाली का पराठा तो हमसे ज्यादा चटोरा निकला, पहले वो मुंह फाड़ दिया है। ये पहला पराठा हो चाहे कुछ भी बिगाड़ता है, ये सेकंड अच्छा बनेगा। तो डाल दिया है गाइस, दे सकते हैं थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना दिया है, थोड़ा मैपिंग शेप दे दिया है, पर भी देख सकते हैं अब दूसरा रूपाली अच्छा बनाएगी। आई होप कि रूपाली दूसरा भी अच्छा बनाएगी, डिजाइन देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तू तो इंजीनियरिंग कर ले आज तो क्या करूं यार, फट गया तो थोड़ा बहुत, अब क्या कर सकता हूं। ठीक है ठीक है, यू विल ट्राई इट, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती गाइस, तो मेरे जैसे पराठे वालों की तो बिल्कुल भी नहीं होती तो अभी दूसरे पराठे की तैयारी कर दिया, ये देख सकते हैं मसाला डाल दिया उसमें। क्यों नहीं दिखाओ भाई, देख देख क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, देखेंगे लोग। पहले गाइस बन जाने दीजिए, सबको सब देखेंगे भाई कि आपको किसे कितना अच्छा बनाना आता है, जब तो लोग आपके टैलेंट को पहचानेंगे। अब इसमें काहे का टैलेंट भैया, हर चीज में टैलेंट है, इंसान जो करता है वो टैलेंट होता है उसका। गाइस मुझे बहुत टैलेंट है, ये देखो ये देखो ये अच्छा बना ना। फिर ये ना रोटी चिपक रही है, बस हो गया इतना बात, बस बन गया। तो गाइस ये थोड़ा सही बना है, एकदम परफेक्ट डिजाइन। तो अभी तेल डाल दिया है और तेल के बाद देख सकते हैं आप पकने, देख सकते हैं गाइस ये है दूसरा पराठा, देखा ठीक है होता है। देखिए गाइस दूसरा बहुत अच्छा बना है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, शादी तो करूंगा नहीं खैर मैं उससे, बिट्टू चिमटा दो क्योंकि मैंने इससे शादी कर ली है चिमटा तो दो, ये लो चिमटा। पहला पराठा गाइस ऐसा था, दूसरा देख सकते हैं आप, ट्रेनिंग ट्रेनिंग किप इट अप, मैंने बोला था ना पहला ऐसी होगा और दूसरा बन गया ना अच्छा। हेलो गाइस, बाकी फाइनली पराठे बन चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस, ये देखिए पराठे भी बन गए हैं, मेड बाय मी, मेड बाय रूपाली। बाकी गाइस अभी आप खाकर बताते हैं आपको के कैसे हैं, टेस्टी बनाए हैं रूपाली ने या नहीं, बाकी खाऊंगा तो मुझे पता चलेगा, आप लोगों को तो पता चल नहीं पाएगा, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम सच सच कि कैसे बने पराठे। खिलाओ मुझे पराठे, दिखाओ मैं पकड़ ले, नहीं खिलाओ मुझे, मैं ऐसे खिला रही हूँ, कैसे लग रहा है? गाइस अच्छा बनाया पराठा, मसाले अच्छे डाले थे इसने तो टेस्टी बनाया सर। गाइस बाकी पराठा बहुत अच्छा टेस्टी बनाया, झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ रियली बता रहा हूँ बाकी के अच्छा बनाया, काफी अच्छा बनाया पराठा, क्या आराम से रूपाली रेस्टोरेंट खोल सकती है तो वहाँ पर रूपाली के पराठे बहुत ज्यादा सेल होंगे। और बाकी गाइस ठंड का मौसम है तो ये सब चीजें खाते रहनी चाहिए, तो आप लोग भी खाइए बनाकर गाइस, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं गाइस, और ठंड में मजे लीजिए गरम गरम पराठों का, और प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, बाय बाय।